टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में बढ़ते डेंगू के मामले पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, नगर निगम से 48 घंटे में मांगा जवाब। गाजियाबाद में बढ़ा प्रदूषण का खतरा, एयर क्वालिटी का इंडेक्स 373 के पार। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पंकज सिंह हुए गिरफ्तार, गिरफ्तारी का वीडियो हो रहा है वायरल। प्रयागराज में दीपदान महायज्ञ का किया गया आयोजन, 1,25,000 दीपों से सजा मौजगिरी घाट। चंदौली के ब्लॉक परिसर में ग्रामीणों ने किया धरना, भ्रष्ट वीडियो मुर्दाबाद के नारे लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हो रही सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं में कमी के मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार, लखनऊ और सीएमओ के साथ नगर निगम को तलब करते हुए पूछा कि डेंगू से बचाव और बुखार पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या उठाने जाने हैं। खबर गोंडा से है, जहां बदलते मौसम के चलते वायरल बीमारी के साथ अन्य बीमारी भी पांव पसार रही है। गोंडा में हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन 200 से 300 तक ओपीडी हो रही है और पिछले महीनों की बात की जाए तो 1200 से अधिक बुखार के मरीज आए हैं। अब तक डेंगू के 40 केस हैं और मलेरिया के 3 मरीज की पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू टाइप के केस मिल रहे हैं, मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड में शिफ्ट कर किया जा रहा है, तो गोंडा के डेंगू वार्ड में मरीजों से फुल हो चुका है। जहां भी बुखार के केस मिल रहे हैं वहां पर लोगों को टेस्टिंग और स्क्रीनिंग कराने के बाद लोगों को उचित सलाह दी जा रही है और दवा भी दी जा रही है। वहीं पूरे मामले में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने में करीब 1200 मरीज के बुखार और जिनमें टेस्टिंग कराई गई है और अभी तक 42 केस डेंगू के पॉजिटिव आए हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक वृहद रूप में चलाया और घर घर जाके दस्तक के माध्यम से हमारी आशा बहुओं ने लोगों को डेंगू मलेरिया से बचने के लिए या संभावित वो स्थल जहाँ ये मच्छर पैदा होते हैं, जहाँ लार्वा पैदा होते हैं, सोर्स रिडक्शन करने के लिए लार्वी साइड के माध्यम से जहाँ लार्वा पैदा होता है उनको मारने की पूरी प्रक्रिया 31 तारीख तक सघन रूप से की गई, जिसमें हमारे अलावा 13 अन्य विभाग भी शामिल थे। औरैया में एसपी का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है, जहां एसपी चारू निगम ने पुलिस का रिस्पांस टाइम रियलिटी चेक करने के लिए एक पॉजिटिव स्क्रिप्ट पुलिस अधिकारियों के साथ तैयार की और उसी स्क्रिप्ट के साथ वेशभूषा बदलकर एक युवक के साथ बाइक से निकल पड़ी, जहां उन्होंने खुद डायल 112 फोन को किया और झूठी लूट की घटना की जानकारी दी, डायल 112 पुलिस को दी। इसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस भी चंद मिनट में पहुंच गई। वहां सूट पहने और वेशभूषा बदली एसपी चारू निगम ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को बकायदा सुनाई, जिसका वीडियो भी बनाया गया। लेकिन इस सब के बीच वहां मौजूद इकट्ठा हुई पब्लिक यही समझती रही महिला के साथ सच में घटना हुई है, जबकि हकीकत ये थी कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद एसपी हैं, जो फोन पर खुद एसपी के पास जाने की बात कर रही थी। कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन किया गया, माँ काली नदी के तट पर सैकड़ों लोगों ने दीपदान किया। दीपदान के दौरान 1,25,000 दीपों से मौजगिरी घाट को सजाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आईजी रेंज प्रयागराज डॉक्टर राकेश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मलीन महंत योगेश्वर नंदगिरी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष दीपदान किया जाता है।
कार्तिक मास में दीप दान करने का एक अपना अलग महत्व है, पुण्य कमाते हैं हम सब। और ये यमुना तट पे आज हम लोग आए हैं प्रयागराज में, आनंद ले रहे हैं, दीप महोत्सव मना रहे हैं। ये दीप महोत्सव पूरा कार्तिक माह चलेगा, तो इसलिए हम लोग को बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है, बड़ा मन प्रसन्न है। और ये यमुना तट पे जो जल में ये हिल रहे हैं दीप, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं, जैसे लग रहा कभी बुझ रहे हैं सितारों की तरह, कभी फिर चमक रहे हैं, फिर बुझ रहे हैं, फिर चमक रहे हैं। यम और यमुना जी भाई बहन है और इनके नर स्नान करने से दीर्घायु होते हैं, भाई की आयु बढ़ती है। कहते हैं कि इसीलिए यमुना जी में दीपदान करना पुण्य के द्वार खोलता है। और आज यहाँ लाखों भक्त आकर यमुना जी में दीपदान कर रहे हैं, जिनको देखकर जिनके उत्साह को देखते ही बनता है। और बहुत ही अच्छा और आनंदमय लग रहा है यहाँ पर यमुना जी में दीपदान करना, बहुत एक सुखद अनुभूति हो रही है। लग रहा है कि आसमान के सारे तारे मेरे यमुना जी में प्रवाहित हो रहे हैं और टिमटिमा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एक समाज सेविका हूँ और प्रयागराज में रहती हूँ। नाम बता दीजिए। रचना शुक्ला। जागरण की गई है, भंडारा विशाल चल रहा है, जो कि ये अभी लगातार 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। और आज का जो महत्व है दीपदान का, कि कहते हैं कि यम से जीतना है, शनि से जीतना है, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो आज के दिन एक दीपदान करने से सहस्त्र दीपदान का फल प्राप्त होता है, जो कि हमारे गुरु महाराज ब्रह्मनील थानापति बाल योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी के पुण्य स्मृति के उपलक्ष में किया जाता है यहाँ पर। चंदौली में साहबगंज विकास खंड के इलिया ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के साथ वीडियो पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले की शिकायत डीएम से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने ब्लॉक परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। धरना करते हुए ग्रामीणों ने अधिकारियों और प्रधान के मिली भगत में सरकारी धन में बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। वनवासी तो आवास तो मजदूरी सर नहीं मिलो। वनवासी आवास आवास में काम किए थे लोग? जी हाँ, आवास में आवास मिला है सर, मजदूरी बाकी प्रधान सिक्योरिटी देते नहीं है, 5,000 का मरत क्या 5,000 रुपया वो मजदूरी देने के लिए? जी जी हाँ, लड़े जाते। कौन सेक्रेटरी है? अनिल पटेल सर। रहना अनिल पटेल जी। और वीडियो साहब क्या आप गए? सर वीडियो और डीएम महोदय से डरली सर, अब वीडियो महोदय से डूबा। वीडियो साहब से मिले तो क्या बोले? जी यह हेला हवाली से 2-4 बार। क्या कहते हैं सब? अब 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद जो महिलाएं आई हुई हैं, इनके द्वारा लिखित दी गई है कि हमारी आवास हमें मिले, आवास बन गए हैं, मजदूरी नहीं प्राप्त हुई है। मैं इसको अपने कार्यालय से भी जांच कर लूँगा और स्थल पे भी जांच कर लूँगा, और जल्द से जल्द अगर इस तरह मजदूरी नहीं मिली होगी मैं मजदूरी दिलवा दूँगा। लगभग कितने दिन लगेंगे इसमें? जी लगभग कितना समय इसमें? 1 हफ्ते के अंदर सब निस्तारित कर दूँगा। सुष्मी हाँ। कहाँ घर है? इलिया। क्या मामला है धरना पर बैठे? का धरना अमन के आवास देले हम प्रधान, बाकी हमन का मजदूरी खा गई ना, अमन मजदूरी ना तो कर कइले रे तब बनाई देले। मजदूरी नहीं दिए? नहीं ना देले हम। क्या बोलते हैं? जाते जाते 5,000 रुपया मांगत, हमन गरीब कहां ले दे जा पाए? किस लिए 5,000 रुपया मांगे? कह दो कि 5,000 दा तो हम तोहर पैसा निकालब। नहीं ना लिखा। प्रधान का क्या नाम है? सुरेंद्र प्रधान। सुरेंद्र तो पैसा मांगते हैं, कहते हैं कि पैसा देंगे तब हम पैसा निकालेंगे। नहीं तो ना निकाले। कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के काली मठिया इलाके में मानव तस्करी के चलते एक बच्चे को 6 माह तक बंधक बनाने का मामला सामने आया है। ज्ञात व्यक्तियों की चंगुल से छूटने के बाद बच्चे ने आपबीती बताई, जिसके बाद पार्षद प्रशांत शुक्ला की तरफ से थाने में घेराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा। इस पूरे मामले में मानव तस्करी गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वड्डी जो लगती है उस वड्डी में खड़े थे, आए हैं बोले भाई कहाँ करता है, हम कहाँ के मारे ले गए, हमको आँख क्या डाले क्या डाले, अभी कोई मतलब हम हो गए ना सर ले गए हमको घर कट्टी, घर कट्टी ले जाकर डिग्गी की डिग्गी यदि है तो लेकिन यार गली गिर के बिता कर छिड़के छालते सर ले गए। उसका नाम जीता नाम मानसी, मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। उसको कोई व्यक्ति विजय जो कि मछलियाँ का रखने वाला है, उसको किसी बहाने से किसी काम के बहाने से ले गया, फिर उसके बाद उसने दोनों उसके हाथ तोड़े, पैर काटा एक,
और एक पैर को, उसके बाद उसकी आंखों पे कोई ऐसा केमिकल डाला जिससे वो दोनों आंखों से अंधा हो गया। फिर उस व्यक्ति के बताए अनुसार उसको 70,000 रुपये में बेचा गया। फिर उसको दिल्ली ले जाने के बाद वहाँ पर उससे भीख मंगवाई गई, क्योंकि एसिड के कारण जो उसका शरीर जला था उसमें इन्फेक्शन फैल रहा। तो जिस भी व्यक्ति ने खरीदा था उसने उसको वापस करा, रीसेल के लिए वो कानपुर फिर से लाया गया। पूरा प्रकरण एक सुरेश मांझी जो लेबर का कार्य करते हैं, ये पिछले काफ़ी दिनों से किसी इनको किसी ने हायर किया था और उनके परिजनों का जो है जो वहाँ स्थानीय जो पार्षद है यशोदा नगर के, वो उनके पास गए थे कि इसको जो है 6 महीने से जो है लेके गए और इससे जो है मतलब बंधक बना के इससे लेबरी कराई गई और इसके साथ जो है अंग भंग किया गया। इसके संबंध में वो उसके मतलब कुछ उनके साथ लोग आए और संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया, अभी वो पंजीकृत कराया जा रहा है और उसको मेडिकल के लिए भेजा रहा है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी अगर जो सत्यता हो उसके आधार पर शिकार है। रायबरेली में डलमऊ में महनेहरू चौराहे के पास एक शख्स को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में घायल को एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया। बता दें 1 नवंबर को पुलिस अधीक्षक ने यातायात माह की शुरुआत की थी, बावजूद उसके सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। चौराहे पे हुआ था। किसका? लक्ष्मी प्रसाद का। अच्छा जी, तो हमारे पास जैसे हम पहुंचे वहां तो पुलिस वाले पूछते तो एम्बुलेंस हमने फ़ोन किया, उन्होंने ही फ़ोन कर दिया था, आ गई थी तो लेके हम तुरंत इनको बात। अच्छा, का ही से एक्सीडेंट हुआ है कैसे? अब ये तो हमारे सामने हुआ नहीं तो हम बता भी नहीं पाएंगे किससे, शायद मोटरसाइकिल से थे, अब किस चीज़ से हुआ ये। गाजियाबाद में प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। शहर में एयर क्वालिटी का इंडेक्स 373 के पार बना हुआ है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों की आंखों में जलन, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बच्चों का कहना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो वहीं पेरेंट्स हवा से परेशान हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रुप 4 लागू होने के बावजूद भी सुधार की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लिहाजा बच्चों से लेकर बड़े सभी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अस्पतालों में एयर पॉल्यूशन के चलते मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जाते वक्त आँख में थोड़ा धुंधला सा होता है, आँख जलन होती है और वैसे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। क्या चाहते हैं आप लोग? स्कूल कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन कर दिया तो पॉल्यूशन। आपका नाम? आयुष सिंह। आयुष, किस तरह की दिक्कत सुबह स्कूल जाते हो जब? तो क्या चाहते हो? सब बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास कर दे। खबर मऊ जनपद से, जहां भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे अजीत दुबे को मुख्तार अंसारी के करीबी ने दिनदहाड़े गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनंद फानन में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के करीबी पंकज सिंह की गिरफ्तारी की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 चैन स्नैपर पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने इलाज के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही जिले में पुलिस की तरफ से एक ही रात में दूसरा इनकाउंटर किया गया, जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब पुलिस प्रशासन बदमाशों पर अंकुश लगा रही है। फर्रुखाबाद में किहारे हत्याकांड के आरोपियों को जिला न्यायालय ने सजा सुनाई। बता दें कि कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजाए मौत की सजा दी, दंडित किया है और 50,000 का अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनते ही हत्यारों के परिजन बिलक बिलक कर रोने लगे। जानकारी के मुताबिक शहर के मोहल्ला घोड़ा नखास में शकील अहमद ने 26 जुलाई 2007 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मोहम्मद कलीम ने 15 साल पहले साली से प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पत्नी बहर व माँ की हत्या कर दी थी। यह घटना जो है एक पारिवारिक हत्याकांड की घटना है। इसमें एक यूज जिनको फांसी की सजा हुई है, इनके द्वारा एक यूज अलीम जो है उसने अपनी बहन, माँ और पत्नी की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की थी। ये 2007 का मामला है, तब से चल रहा था मामला।
गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय बदमाश शिवम पंडित पुलिस को गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक शिवम पंडित पर से एक से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बीते दिनों में थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर क्षेत्र में फोटोग्राफर को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट लिया गया उसका कैमरा। बंथला नहर पे चेकिंग लगाई गई थी। एक व्यक्ति काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा था। जब उसके रोकने का इशारा किया गया, उसने मोटरसाइकिल को पीछे काफ़ी तेज़ी से मुड़ाते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने जब घेरेबंदी का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने हिकमत अमली से अपना बचाव करते हुए और घेराबंदी की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। बुलंदशहर शिकारपुर कस्बे में बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। बता दें, परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से शिशु और उसकी मां की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अस्पताल को सील कर दिया। इन्होंने सीरियस नहीं करा था और पता कौन डॉक्टर बाहर से बुला लिया था उन्होंने और उससे उन्होंने ऑपरेशन कराया था। ऊपर को उन्होंने उल्टा सीधा भाग गया था। जब उसकी हालत थी हमारी बच्चे की घरवाली की तो सीरियस इसकी हालत इसे ले चलो। इन्होंने कही हर बात की गारंटी है हमारी, पूरी जिम्मेदारी है हमारी। इन्होंने भर्ती कर ली। भर्ती करने के बाद में आज तक सुबह 9 बजे बच्चा पैदा हुआ, वो भी मार दिया इन्होंने। और अब जब यहाँ से 2:30 बजे 2:45 बजे यहाँ से लेके गए हैं बुलंदशहर के लिए, क्या जी मरीज की सीरियस हो रही है हालत, ऐसा है हम वेंटिलेटर पर रखेंगे। जब यहाँ से लेके गए और वो सलेमपुर तक ही जाते जाते खत्म हो गई। इतनी भीड़ लगी है, कभी कार्रवाई हो जाएगी? अभी अभी जिस तरह से यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों के नाम अंकित हैं, जब ये ऑपरेशन करते हैं तो क्या ये डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहते हैं? इस बारे में मैंने बता पाएगा इनके दाम क्या क्या है, क्या नाम दे रखे हैं इन लोगों ने? जब ये अस्पताल मानक पूरे नहीं कर रहा है तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं, ये तो मानक इन्होंने करवा रखा है, इसमें डॉक्टर को नाम देखे जाएंगे। खबर अलीगढ़ से, जहां दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल संचालक की पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं SSP कलानिधि नेथानी ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया। फिलहाल पुलिस हत्या कर फरार हुए बदमाशों की तलाश कर रही है। उसमें बैठे थे दुकानों से बैठे थे हम, तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी, दो या पाछे पे थे, आगे गोली मारी और गाड़ी भाग गई। कितने बजे घटना हुई थी तकरीबन? कहाँ पर गोली? कौन से गांव? SBI बैंक के पास। क्या लोग थे उसमें? दो लोग थे। नगर में तुरंत ओवरटेक करके इनको रोका, इनको रोक करके हम तो दुकान पर इधर साइड में, जैसे ही फायर की आवाज़ हुई है, एक बाइक फायर कर आवाज़ होती तेजी से चली गई। हम जाकर के उनको देखा, अब जैसे ही हमने उनको उठाया तो इनका हेलमेट जैसे ही उतरा तो मैं इनसे परिचित था, मनोज भैया लालपुर से थे। तुरंत हमने बाइक मंगाई, ये हमारे साथी हैं, वो स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर के आए मरण ट्रामा सेंटर यहाँ आकर के। एक थाना गबाना में गांव पड़ता है बीदा नगर, वहाँ पर एक व्यक्ति है मनोज कुमार पुत्र प्रताप सिंह, ये वहाँ से लौट रहे थे। इनका एक कॉलेज भी है और इनका बताया गया कि दो व्यक्तियों ने इन्हें गोली मार के घायल किया है। अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया है। इसमें परिजनों से वार्ता हुई है, रंजिश की बात प्रकाश में आई है और उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही अन्य पहलू भी यदि कोई हो तो उसको देखा जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।